ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 30 जुलाई रविवार के राशि फल के बारे में कि यह दिन कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, किन किन चीजों से इनको फायदा होगा, किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाय भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बेहतर बना सकें। दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नई नई वीडियो पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कैसा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए रविवार का दिन। सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है। दोस्तों, जीवन साथी से आज आपको सहयोग प्राप्त हो सकता है, परंतु उसके लिए संबंध मधुर बनाए रखना बेहतर रहेगा। व्यवसायिक दृष्टि से आज आपको अच्छा लाभ प्राप्त होने की संभावना बन रही है, इसलिए यदि आप कार्य व्यवसाय से जुड़े हैं तो उसे आज बेहतर दिशा देने का प्रयत्न करें। आप जिस भी किसी कार्य को कर रहे हैं उस कार्य से संबंधित आज आपको अच्छी कामयाबी प्राप्त होने की संभावना बन रही है। साथ ही साथ आपको नौकरी बदलने में भी काफी लाभ मिल सकता है और आपके करियर के लिए यह परिवर्तन काफी अच्छा सिद्ध होगा। दूसरी ओर विद्यार्थियों को भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जिससे उनकी लंबे समय से प्रतीक्षित उच्च शिक्षा की कामना पूरी हो सकती है। जय दोस्तों, कार्य क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी आने वाले समय में पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे और आपको नए नए विचार आएंगे जिन्हें अपनाकर आप कार्य स्थल पर भी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। आप अचल संपत्ति प्राप्ति के लिए भी निवेश कर सकते हैं तो आपको लाभप्रद हो सकता है। कामकाज से संबंधित किसी मित्र से भी संबंध अच्छे हो सकते हैं। जय दोस्तों, आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन में उल्लास में वातावरण रहेगा। शुभ समाचार मिलने से तथा प्रवास होने के कारण मन काफी प्रफुल्लित रहेगा। मित्रों से सहयोग मिल सकता है। यदि आप घर परिवार के साथ किसी कार्य को करने का प्रयत्न करते हैं तो वह भी आज सफल हो सकता है, जिससे आपका मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा। दोस्तों, साथ ही साथ यदि आप नौकरी करते हैं तो भी साइड व्यवसाय करने का आज आप प्रयत्न कर सकते हैं या किसी के साथ मिलकर कार्य व्यवसाय को नई दिशा दे सकते हैं, या आप किसी तरह का कोई निवेश करने का मन बना रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं, जिससे आपको कामयाबी अच्छी प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है। दोस्तों, कुछ लोगों का अपने परिवार से अलगाव हो सकता है। इसके अतिरिक्त आप अपने कार्य क्षेत्र में व्यस्त होने के कारण तथा जीवन के अन्य पहलुओं पर अधिक समय देने के कारण अपने परिवार को अधिक समय नहीं दे पाएंगे, जिसकी कमी आपके परिजनों को खिलेगी। साथ ही साथ यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने काम पर पूर्ण रूप से ध्यान देना होगा, अन्यथा आपके कार्यालय में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कार्य सफलता के लिए आपको दृढ़ इच्छा शक्ति और मनोबल की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ आप अपने वित्तीय प्रबंधन के प्रति काफी सचेत रहेंगे, फिर भी आपके खर्च और बचत के बीच उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रह सकती है। इसे बेहतर बनाने के लिए आपको उत्तम वित्तीय प्रबंध पहले से ही तैयार करना चाहिए, ताकि प्रतिकूल समय में परेशानियों से बचा जा सके। यदा कदा अनावश्यक बातों को लेकर घर में कहा सुनी हो सकती है। माता का सहयोग तथा सुख प्राप्त आपको हो सकता है, परंतु पिता के सहयोग और सुख को लेकर सस्पेंस हो सकता है। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में भी काम की अधिकता रहेगी और कार्य सफलता के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दौड़ के बावजूद
कार्यों में अपेक्षित सफलता नहीं मिलने से मन व्यथित रहेगा। क्रोध पर आज आप नियंत्रण एवं वाणी पर संयम रखें, अन्यथा बेवजह विवाद में फंस सकते हैं, थोड़ा सावधान रहें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। दोस्तों आज आप कहीं घूमने फिरने के लिए ऑफर कर सकते हैं, तभी आपके प्रेम जीवन में वृद्धि होगी और प्यार के साथ साथ हर तरह के सहयोग की संभावना उत्पन्न हो सकती है। एक दूसरे के कामकाज को लेकर भी आज सहयोग हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज आप अपने प्रेम जीवन का पूर्ण रूप से आनंद लेंगे और अपने प्रियतम को स्पेशल फील करेंगे। इससे आपके प्रेम जीवन में मधुरता और बढ़ेगी और एक दूसरे के प्रति आकर्षण की भी वृद्धि होगी। जय दोस्तों, प्रेम संबंधों को लेकर आज स्थितियां आपके काफी अनुकूल रहने वाली हैं, परंतु आप अपने प्रेमी प्रेमिका के ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हुए एक दूसरे के साथ समय बिताने का आज प्रयत्न करें। साथ ही साथ यदि आप किसी को प्यार करते हैं और उसे पता ही नहीं, तो ऐसे में एक दूसरे को समझना और एक दूसरे को समझाना आवश्यक है। यदि आप पहले से ही किसी को प्यार करते हैं तो आप उनको प्रपोज कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए बहुत ही लकी साबित होने वाला है। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका व्यवसाय करियर कैसा रहने वाला है। दोस्तों आज ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल रहने से आर्थिक लाभ और नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं। कारोबार आज अच्छा चलेगा और कार्यों में आज आपको अच्छी सफलता मिलने से धन लाभ की स्थिति रहेगी। विद्यार्थियों के लिए भी समय आज का काफी अच्छा रहेगा। दोस्तों साथ ही साथ आज आप प्रॉपर्टी में भी निवेश कर सकते हैं, जो आपके लिए भविष्य में आगे चलकर काफी लाभदायक साबित होगा। या दोस्तों धन के लेन देन के लिए भी आज का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। दोस्तों कार्य क्षेत्र में आपके अनुकूल वातावरण रहेगा, हालांकि कार्यभार की भी अधिकता रहेगी, लेकिन कार्यों में सफलता मिलने से धन लाभ की भी काफी अच्छी स्थिति रहेगी। नौकरी में भी तरक्की के योग आपके लिए बन रहे हैं, जिससे आपका मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। दोस्तों आज आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि अत्यधिक सोचने और चिंताओं के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। साथ ही साथ पेट से संबंधित समस्याएं अधिक परेशान आपको कर सकती हैं, इसलिए आज आप नेगेटिव विचारों से दूर रहें। सोचने समझने में आप समय अपना व्यर्थ ना करें और साथ साथ अपने खान पान पर भी आज आप विशेष रूप से ध्यान दें। साथ साथ दोस्तों अपने स्वास्थ्य को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें, व्यायाम करें, स्वस्थ रहें। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेष उपाय क्या है। दोस्तों हम आपको जिस उपाय को बताने जा रहे हैं, इस उपाय को आपको रात्रि के समय करना है। आपको यह उपाय रात को सोते समय करना है। या दोस्तों आपको करना क्या है, या दोस्तों आप सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और सोते समय एक गिलास में दूध भरकर अपने सिर के पास रख कर सोएं। इसके बाद आप सुबह उठें, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद इस दूध को किसी बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दें। या दोस्तों ऐसा करने से आपको जल्द ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी और भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। या दोस्तों आप इस उपाय को अवश्य करें, आपको अवश्य ही विशेष लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय सूर्यदेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।